नमस्कार। आईपीओ से एक झटके से अपने कर्मचारियों को करोड़पति बनाने वाली कंपनी का नाम सुना है? जी हाँ, आजकल इसी कंपनी के बारे में चर्चा हो रही है, फ्रेश वर्क्स। ये कंपनी ऐसी है कि इस कंपनी के फाउंडर ने अपने बारे में नहीं सोचा और अपने कर्मचारी के बारे में सोचा। यह कंपनी अमेरिका के नेस्टेक सूचकांक पर लिस्टिंग हुई और जैसे ही लिस्टिंग हुई, वो एक झटके में इसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी करोड़पति हो गए। इन कर्मचारियों की उम्र 70% कर्मचारियों की उम्र 30 साल से कम है, देखिए। और इस कंपनी के 70% शेयर कर्मचारियों के पास में है। आज वो कर्मचारी अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि इस कंपनी में काम करके और एक झटके में करोड़पति हो गए। आखिर ये कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे लिस्ट हुई, इसके बारे में जानेंगे। इस कंपनी का फाउंडर गिरीश और कृष्णा स्वामी है, देखिए देखिए। फ्रेश वर्क्स एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो नेस्टेक पर लिस्टिंग हुई। नोट करना, भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो नेस्टेक पर लिस्टिंग हुई है। नेस्टेक अमेरिकी शेयर बाजार का सूचकांक है। नेस्टेक एक अमेरिकी शेयर बाजार का सूचकांक है। जैसे भारत में निफ्टी है, वैसे ही अमेरिका में नेस्टेक है। जैसे भारत में निफ्टी है, वहां अमेरिका में नेस्टेक है। अब ये नेस्टेक पर इसकी लिस्टिंग भी धमाकेदार हुई। आप देखना, आप इसकी शेयर प्राइस, इसकी शेयर प्राइस $36 थी, लेकिन ये शेयर प्राइस से 21% ऊपर खुला। जैसे ही ऊपर खुला, वहां के उस कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे एक सेकंड में करोड़पति हो गए। कंपनी की वैल्यूएशन $12 बिलियन है। अब आप इसको अगर अपन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम 9 खरब रुपए है, देखिए आप। अब कंपनी करती क्या है? फ्रेश वर्क यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह इसकी शुरुआत 2010 में हुई। अभी यह कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस उपलब्ध करवाती है। इन सबको यह कंपनी एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। अब आप नोट करने वाली बात है, अपन अभी आगे जानेंगे कि सॉफ्टवेयर तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में उपलब्ध कराती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में बैठी है। लेकिन एक छोटी सी कंपनी ने ऐसा क्या विशेष किया, ऐसा क्या नया आइडिया लाया, ये इस कंपनी के फाउंडर ने ऐसा क्या विशेष किया जिससे इस कंपनी को इतनी फेमस मिली और बहुत ही जल्दी ये अमेरिकी शेयर बाजार के नेस्टेक में लिस्टिंग हुई। ऐसा क्या विशेष आइडिया ये लेके आए, इसके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं फ्रेशवर्क ने क्या खास किया। सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, बना बना के कंपनियों को देती है, लेकिन इस फ्रेशवर्क ने ऐसा क्या विशेष सॉफ्टवेयर बनाया जिससे इसने इतनी प्रसिद्धि पाई, देखिए। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, अपने कस्टमर के शिकायत के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाती है। जैसे आपके कॉल सेंटर हो गए, कुछ भी अपनी शिकायतें आप दर्ज करा सकते हो। जैसे कि आपके ये फ़ोन कंपनियां हो गई, एयरटेल, वोडाफोन, इसमें अगर आपको कोई भी रिचार्ज संबंधी समस्या हो गई, कुछ भी, आप फ़ोन करके शिकायत दर्ज कराते हो। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आफ्टर सेल्फ सर्विस देती है। अब इसमें क्या हुआ, जहां पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन कस्टमर को शिकायत आपने दर्ज करवा दी, लेकिन कस्टमर को कई बार 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 मेल, फोन, मैसेज की शिकायत करनी पड़ती है। यह एक काफ़ी थकाऊ प्रक्रिया होती है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई किसी कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर, आपने कई बार मेल किए, कई बार फ़ोन किए, कई बार मैसेज किए, लेकिन तब भी आपकी शिकायत दूर नहीं होती। आप बार बार परेशान रहते हो, बार बार आपके दिमाग में यही रहता है यार कब होगा कब, और उसमें 2 या 3 महीने भी पहले लग जाते थे। इसी शिकायत को, इसी चीज़ को दूर करने के लिए फ्रेशवर्क एक नया सॉफ्टवेयर लेके आई। यह एक काफ़ी थकाऊ प्रक्रिया है। कंपनी से जुड़े तमाम प्लेटफॉर्म एक जगह ला दिया। अब इस फ्रेशवर्क ने क्या किया, मेल, फोन, मैसेज, शिकायत सभी इसने एक जगह ला दिया। अब इसने ये किया कि जैसे आपने किसी अधिकारी से बात की एक दिन बाद है, और आपने 7-8 दिन बाद वापस किसी अधिकारी से बात कर रहे हो, तो सारे रिकॉर्ड उनके पास होंगे कि पुरानी आपकी क्या बात हुई, आपकी कंप्लेन किस जगह चल रही है, आप किस स्टेज पर पहुंचे हो, आपको आगे क्या करना है, सारा सभी एक प्लेटफॉर्म पर इस कंपनी ने ला दिया। पहले ऐसा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने ऐसा नहीं किया था, जो इस फ्रेशवर्क कंपनी ने कर दिया। इसमें चाहे मेल हो, मैसेज हो या फोन हो, आपकी शिकायत का सारा रिकॉर्ड एक जगह उपलब्ध
करा दिया इस फ्रेश वर्क कंपनी ने। ठीक है, इसके दो फायदे हुए। फायदा नंबर वन क्या हुआ, पहला तो यह कोई भी शिकायत करता छूटता नहीं है कंपनी का। कंपनी के अंदर किसी ने कोई भी प्रोडक्ट को लेकर शिकायत की है तो वो कोई सभी शिकायत करता छूटता नहीं है, वन टू वन सबकी शिकायतें दूर होती है। सेकंड, दूसरा, सबकी शिकायतें समय रहते हल हो जाती है। अब देखिए, प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को भी दो फायदा हुए, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर शिकायत की है तो कोई भी छोटा से छोटा शिकायत करता छूटता नहीं है, और सेकंड, हर शिकायत करता की प्रॉब्लम समय पर हल हो जाती है। तो कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को बस यही चाहिए। तो इसी कारण ये फ्रेश वर्क बहुत ही फेमस हुई। इसका आइडिया गिरीश को आया कैसे, बहुत ही रोचक घटना है जो मैं आपको आज बताता हूँ। गिरीश ने एक इंटरव्यू में बताया 2009 की बात, वो अमेरिका में जॉब करते थे तो उनको लगा कि अब इंडिया जाना चाहिए, तो वो अमेरिका से अपने सारा सामान समेट करिए इंडिया गए, चेन्नई में। अब वो इंडिया आ तो गए लेकिन उनका जो सामान था, घर का और सारा सब कुछ सामान, पहुँचने में कम से कम 2.5 महीने लग गए। ठीक है, कोई बात नहीं, 2.5 महीने लगे तो भी लगे, 2.5 महीने बाद उनका सामान जब घर पे पहुंचा तो उनके सामान वो देखा 40 इंच का जो एक टीवी था वो टीवी टूट चुका था। अब उस टीवी का इंश्योरेंस था तो गिरीश को लगा कि कंपनी का इंश्योरेंस है, मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। जब गिरीश ने कंपनी को फ़ोन किए, कंपनी को मैसेज किए, कंपनी को ईमेल्स किए, और कोई थकाऊ प्रक्रिया से गिरीश गुजरे और कम से कम 5 महीने लग गए, फिर भी गिरीश को उस इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला। गिरीश ने सोचा, यार बात पैसे की नहीं है, ये ऐसी थकाऊ प्रक्रिया, ऐसी एक प्रक्रिया है यार, जो मैं कितनी बार कंपनी को मेल कर चुका हूँ, शिकायत कर चुका हूँ, फिर भी मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। तो गिरीश ने क्या किया, एक R2I करके एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे विदेश से लोग जो शिफ्ट होते हैं ना एक देश से दूसरे देश पे, जो उसके अनुभव शेयर करते हैं। तो गिरीश ने क्या किया, अपना जो LCD टूटा 40 इंच का, इसका पूरा अनुभव शेयर कर दिया उस प्लेटफॉर्म पे। जब उस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया तो उनका जो घटना थी वो वायरल हो गई, और जब वायरल हुई तो जो कंपनी के जो इंश्योरेंस किया उस कंपनी के पास पहुंचा तो उन्होंने उस गिरीश के पास पहुंचे प्रेसिडेंट, और गिरीश से माफ़ी मांगी और इंश्योरेंस का सारा पैसा गिरीश को लौटा दिया। पैसा गिरीश को मिल गया, लेकिन गिरीश को इसके साथ में एक आइडिया आया, अरे यार ये जो घटना आज मेरे साथ हुई बहुत से जनों के साथ में भी तो होती होगी। वहीं से गिरीश का दिमाग दौड़ा और ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की सोची गिरीश ने, कि यार क्यों नहीं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो आम कस्टमर को भी फायदा हो और कंपनी को भी फायदा हो, और कंपनी तुरंत अपने ग्राहक की शिकायत दूर कर सके और उनको अपने से जोड़ा रखे। अगर आज ऐसा नहीं होता तो मैं तो इस कंपनी से हट जाता। इसलिए गिरीश के दिमाग में ये आइडिया आया और फिर गिरीश ने यह सॉफ्टवेयर बनाया, और जैसे ये सॉफ्टवेयर बनाया हाथों हाथ ये सॉफ्टवेयर बिका, और आज गिरीश खुद तो करोड़पति बने, जो बने साथ में अपने कर्मचारी को भी करोड़पति बनाए। तो ये है स्टोरी गिरीश के फ्रेश वर्क की। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।